नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतनील फैमिली। आज है सैटरडे और सैटरडे को आता है जोजो की किचन का दिन। तो आज जोजो की किचन से आपके लिए आ रही है एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जो कि है पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता या व्हाइट सॉस चीजी पास्ता। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है हमने अपना पास्ता। तो पास्ता को हमने अच्छे से धो लिया है, अब हम इसको बॉईल करने के लिए डाल देंगे। तो अब पास्ता बॉईल होने लगा है, पानी गर्म होने लगा है, उसमें हम डाल देंगे अपना एक चम्मच नमक। ये है पिंक सॉल्ट है तो ये हम डाल देंगे इसमें। कोशिश कीजिए घर पे आप पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक ही यूज़ करें, क्योंकि रिफाइंड सॉल्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। अब बस इसको हम ढक देंगे और बॉईल होने देंगे। चेक कर लेते हैं हमारा पास्ता क्या कंडीशन में है। तो ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। इसी स्टेज पे अभी हमारा 50% बॉईल हुआ है पास्ता, इसी स्टेज पे हम लोग स्वीट कॉर्न डाल देंगे इसी पानी में बॉईल होने। हमें अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, इसी पानी में हम डाल देंगे स्वीट कॉर्न ताकि वो एक साथ दोनों पक जाएँ। और एक बार चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है हमारे पास्ता की। ये बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है और इसको कट करके देखें, सही है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारी आ गई सारी वेजिटेबल्स। ये है हमारी प्याज जिसको मैंने क्यूब में काटा है। जो भी आप सब्जी काटें एक ही जैसे शेप में काटने की कोशिश करें। ये है अनियन, मशरूम, ग्रीन कैप्सिकम, टमाटोज और ग्रीन चिलीज। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो ये चिली अवॉइड कीजिए। उसके अलावा है हमारे पास ये थोड़े से मसाले जो कि है लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, काला नमक और ऑरिगेनो। हमने नमक थोड़ा सा लिया है बिकॉज हमने पास्ता बॉईल करते वक्त ऑलरेडी डाल दिया था। उसके अलावा हमने लिया है यहाँ पर मैदा, ये थोड़ा सा मैदा है, मतलब लाइक 1-1.5 चम्मच के आसपास ये मैदा है। तो चलिए रेसिपी आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने अपनी कढ़ाई ले ली है जिसमें डाल दिया हमने तेल और वो अच्छे से गर्म हो चुका है। और सबसे पहले इसमें डालेंगे हम मशरूम, क्योंकि मशरूम काफ़ी लोगों को कच्चे अच्छे नहीं लगते हैं या उनका स्वाद बहुत डिफरेंट लगता है। तो सबसे पहले आप मशरूम डाल के उनको टोस्ट कर लीजिए ताकि उनका जो पत्तापन है वो निकल जाए ऑयल में। आप देख रहे हैं मशरूम एकदम छोटे से श्रिंक हो गए हैं, ये अच्छे से भून गए हैं इस टाइम और इन्होंने अपना पानी भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पे डालेंगे हम अपनी शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च तो कच्ची भी खानी जाती है, अच्छी लगती है, एज अ सैलेड भी लोग खाते हैं काफ़ी बार। तो हमको सिर्फ शिमला मिर्च हल्की सी टॉस करनी है, इसलिए हम इसके बाद डालेंगे शिमला मिर्च और बस 1 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे बिना ढके ऐसे ही चलाते हुए। हमारी शिमला मिर्च को ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गया भूनते हुए। अब हम अपने प्याज डाल देंगे और प्याज डाल के भी अच्छे से वापस से 1 मिनट जैसा आपको कंफर्ट लगे। आप समझ सकते हैं आपको कैसी सब्जी चाहिए, आधी कच्ची चाहिए तो वो भी चलेगा और बिल्कुल गली हुई पकी हुई चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भून सकते हैं। तो हमारे को प्याज भी हमारे हिसाब से हो गई है आधी कच्ची आधी पकी। अब हम इसमें अपनी टमाटर और हरी मिर्ची भी डाल देंगे जो हमने काटे थे। तो यहाँ पर हमारी सारी सब्जियाँ अच्छे से हो गई हैं। अब हम गैस को बंद करके ये सारी सब्जियों को एक अलग जगह ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है तेल जिसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। इसको अच्छे से भूनेंगे और कोशिश करेंगे इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। लम्स नहीं पड़ेंगे उसका एक ट्रिक है, वो क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ। फिलहाल इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि मैदा की कच्चेपन की जो एक टेस्ट होता है और स्मेल होती है वो निकल जाए। अब आप देख रहे हैं हमारी जो मैदा है वो बहुत अच्छे से भून चुकी है, सारा तेल छोड़ दिया उसने। अब हम गैस को कर देंगे सिम और सिम करने के बाद इसमें हम डालेंगे बिल्कुल ठंडा फ्रिज का चिल्ड दूध और दूध डालते के साथ इसको हम चला देंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े।
और इसमें ठंडा दूध डालने से कोई लम्स नहीं पड़ेगा, यही एक ट्रिप है। अगर आप गर्म दूध या रूम टेम्परेचर पर डालेंगे तो उसमें लम्स पड़ेंगे। देखिए एक भी लम्स नहीं पड़ा, धीरे धीरे सारे लम्स खत्म होते जा रहे हैं और हमारा जो ग्रेवी है, मैदा है, वो देखिए गाढ़ी हो गई है। बस अब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे अपने सारे मसाले। लाल मिर्च, काला नमक और ऑरिगेनो। अब इसको डाल के अच्छे से हम भूनेंगे। यहाँ पर हमारा मैदा बहुत अच्छे से भून चुका है। आप देख रहे हैं ये लोहे की कढ़ाई है, कोई नॉन स्टिक नहीं है और बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपक रहा है। बहुत अच्छे से इसने छोड़ दिया है सब कुछ। और गैस मेरी बिल्कुल सिम है, इसको बिल्कुल सिम पे ही करना है। अब जैसे ये बिल्कुल भून चुका है, इस स्टेज में हम थोड़ा सा ठंडा, बिल्कुल फ्रिज का ठंडा दूध दोबारा से डालेंगे ताकि हमारे को थोड़ी सॉस, गीली गीली सी सॉस मिल जाए। और वैसे ही अच्छे से चलाते हुए, इसको कोई लम्स ना रह जाए, इस तरीके से चलाना है। हमारा अच्छे से हो चुका है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी चीज़। आपके पास जो भी चीज़ हो वो डाल सकते हैं, मोज़रेला। मेरे पास जैसे ये स्लाइस है, चीज़ स्लाइस, मैं इसको डाल दूँगी। मैं 2 या 3 स्लाइस डालेंगे इसमें इस टाइम। हाथ भी चिपक गई मेरे। और इसको बस ढक के थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे ताकि ये गर्म होने पर मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इस स्टेज पे हम डाल देंगे अपनी सारी वेजिटेबल्स जो हमने भून के साइड में निकाली थी, वो सारी वेजिटेबल्स इस टाइम हम इसमें डाल देंगे। और अब अपने गैस की फ्लेम को कर लेंगे थोड़ा सा मीडियम, लो से मीडियम पे ले आएंगे। और वेजिटेबल्स को बस 10 सेकंड तक आपको ऐसे रोस्ट करना है ताकि जो वेजिटेबल में उसका फ्लेवर है वो ग्रेवी में आ जाए और ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो वेजिटेबल्स में आ जाए। बस 5-7 सेकंड आप इसको करेंगे, हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे अपना पास्ता। तो हमारा पास्ता अच्छे से मिक्स हो गया। अब इस स्टेज पे इसको हम ढक देंगे और गैस को कर देंगे बिल्कुल लो और इसको करीबन 3-4 मिनट छोड़ देंगे ऐसी, ताकि जो ग्रेवी है उसका फ्लेवर इसके अंदर आ सके और जो पास्ता है वो हमने सिंपल सॉल्ट के साथ बॉईल किया था तो उसके अंदर सारे फ्लेवर्स आपस में मिक्स हो सके। एक बार चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है हमारा पास्ता। बहुत ही अच्छे से हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसमें डाल देंगे अपना थोड़ा सा धनिया। अगर आपके पास पुदीना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर बाय चांस आपको कोरिएंडर और मिंट का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप कर दीजिए, पर हमें धनिया बहुत पसंद है। बस इसको डालेंगे और फिर से इसको ढक देंगे और इतनी देर अपनी प्लेटिंग वगैरह करेंगे और इसको 5-7 मिनट ऐसे छोड़ देंगे, उसके बाद करेंगे इसको सर्व। बस हमारा पास्ता है पूरी तरह रेडी, बस अब इसको सर्व करते हैं। कैसी लगी रेसिपी? आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो घर में ज़रूर बनाइएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खिलाइएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं और उसकी फ़ोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे तो मैं उसको अपने इंस्टा पे ज़रूर रील में डालूंगी। तो यहाँ पर मेरा इंस्टा आईडी आ रहा है, ये मेरे इंस्टा आईडी है, आप यहाँ पर जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। चलो मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर विद माय नोट, बी हैप्पी, ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी एंड प्राउड टू बी इंडियन। मिलती हूँ नेक्स्ट सैटरडे जोजो की किचन में।